मुल्क भर में रामनवमी के शुभ अवसर पर जहां एक तरफ मुल्क की सद्भावना और एकता को खत्म करने की साजिशें रची गई थी वो नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी रामनवमी का मौका पर चंद फिरकापरस्त ताकतों ने कुछ जगहों पर हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता को ठेस पहुंचाने के लिए तत्पर नजर आए, तो वहीं पश्चिम बंगाल के जिला उत्तर 24 परगना के अंतर्गत टीटागढ़ में रामनवमी एवं हनुमान जयंती का पावन पर्व को सद्भावना और एकता के साथ मनाते हुए टीटागढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 4 के पार्षद मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल ने शोभा यात्रा में शामिल होने वाले हनुमान भक्तों को ठंडे शरबत पिलाकर उनका स्वागत किया और हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता के संदेश को दूर दूर तक पहुंचाया। आपको बता दें कि मुल्क में एक तरफ रमजान तो दूसरी तरफ रामनवमी और हनुमान जयंती का त्योहार चल रहा है। ऐसे में टीटागढ़ में कोई अनहोनी न घटे इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। हनुमान जयंती के मौके पर टीटागढ़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोजा इफ्तार के बाद हनुमान भक्तों को खूब खातिरदारी की और उन्हें ठंडे शरबत पिलाए, जिसमें टीटागढ़ नगर पालिका वार्ड नंबर 4 के पार्षद मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल की भूमिका सराहनीय रही। टीटागढ़ एक ऐसा प्रतीक माना जा रहा है जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की जो देखने को मिली, क्या कहें? पूरे टीटागढ़ नहीं, पूरा बंगाल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। कुछ अधर्मी लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्व और कुछ ऐसे लोग जो उकसावे में आके किसी दूसरे राजनीतिक दल से प्रभावित होकर ये कर रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा टीटागढ़ नहीं, ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरे बंगाल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अभी हनुमान जयंती की यह पर्व मनाया जा रहा है, कुछ दिन पहले रामनवमी के पर्व में रियाजुद्दीन साहब ने जिस तरह का अपनी तरफ से जो कोशिशें की हैं, क्या कहेंगे? पिछले एक वर्षों में लगभग 16 मार्च को मोहम्मद रियाजुद्दीन शपथ लिए थे, 16 मार्च 2022 को। पिछले एक वर्षों में मैं समझता हूं कि 23 वार्डों में सबसे उम्दा काम करने वाले, धार्मिक सद्भावना को बनाए कर रखने वाले सबसे बेहतरीन काउंसलरों में अगर किसी का नाम है तो मोहम्मद रियाजुद्दीन का नाम है। मैं तकरीबन हर साल बड़े ही तुज्क एहतसाम के साथ इस प्रोग्राम को मनाया जाता है। इस साल भी बहुत ही अच्छे ढंग से बड़े अमन सुकून के साथ ये मनाया जा रहा है। आज के जो कुछ दिनों कई एक रोज पहले जो एक हालात खराब हो चुके थे, रामनवमी के मौके पर कुछ लोगों ने, सरपसंदों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की। टीटागढ़ में लोग आकर के ये देखें कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान किस तरह से मिल करके रहते हैं। ये टीटागढ़ में हिंदू और मुसलमान एक साथ जो मिल करके रहते हैं, ये एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि हिंदू और मुसलमान के अंदर जो तफरीक पैदा करने की जो कोशिश करते हैं, हिंदुस्तान से आकर के यहाँ टीटागढ़ में लोग सबक लें कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान किस तरह से रहते हैं और कैसे एक दूसरे का पर्व को यहाँ मनाते हैं। मुसलमानों के त्यौहार में हिंदुओं का बहुत बड़ा देन रहता है, उनके साथ मिल करके उसे कामयाब बनाने की उनके तरफ से पूरी कोशिश होती है, और ठीक मुसलमानों की तरफ से भी उसी तरह की कोशिश रहती है कि जब उनका कोई प्रोग्राम हो तो वो प्रोग्राम अच्छे ढंग से और कामयाबी के तौर पर हो। मुसलमानों का हर तरह का ताउन रहता है। आज का यह प्रोग्राम इस बात का सबूत है कि यहाँ जो हिंदुस्तान का एक छोटा सा हिस्सा जिसे टीटागढ़ के नाम पर कहा जाता है, टीटागढ़ एक मिनी इंडिया है, और इस मिनी इंडिया में जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम का इत्तेहाद देखने को मिलता है, ये शायद बहुत कम जगहों को देखने को मिलता है। जिस तोहफा को दिया है मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल नाम से, जो काउंसलर 2300 वार्ड में अरमान मंडल ये दिखला दिया
ये मजहब जो है कभी आपस में बैर करना नहीं सिखाता है। एक मुस्लिम आपस में करना, एक मुस्लिम होकर रोजा रखकर बहुत सारे रोजा नवाजी यहाँ पर एक सुबह से आज महावीर जन्म उत्सव के शुभ अवसर पर सब हिंदू भाइयों को स्वागत करने के लिए तैयार है। कुछ लोग बोलने में मजबूर हैं कि अन्य दलों से संपर्कित ऐसे लोग टीटागढ़ के माहौल को शांत करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीटागढ़ के हिंदू मुसलमान सभी ने एक साथ मिलकर दिखला दिया कि टीटागढ़ में हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। रोजा रमजान जो है एक चार नंबर वार्ड का परंपरा रहा है, जो हम लोग ये हमारे रियाजुद मंडल जी ने हर समय लोगों के बीच रहा और साथ रहा है। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एक साथ सब मिलकर अपना अपना परम मनाते हैं। ये हमेशा लोगों के साथ रहते हैं, हम लोग भी इनके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे और हम सब मिलकर एकता को बनाए रखेंगे। जितना भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया जाए, माहौल बिगाड़ने वाला नहीं है, हम लोग एक रहेंगे, कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता है। क्या कहेंगे? बोलिए, प्लीज आप बोलिए। क्या कहेंगे इस तरह के जो वातावरण पूरे भारत में बना हुआ था, लेकिन रियाजुद्दीन साहब ने ये कर दिखाया कि हम एक हैं, जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार उन्होंने कर दिखाया कि हम एक हैं। वार्ड नंबर 4 को काउंसिलर अरमान मंडल जी को बहुत ही धन्यवाद। रामनवमी से लेकर महावीर जयंती तक जो उसने परिश्रम किया, जो किस्म का माहौल बनाया गया था हर पूरा पश्चिम बंगाल में, उस तरह आज टीटागढ़ ने रामनवमी हनुमान जयंती को पूरे पश्चिम बंगाल को दिखा दिया कि हम लोग का टीटागढ़ ब्रांच मिनी इंडिया के रूप में माना जाता है और माना जाएगा। और इसी तरह हम लोग हिंदू मुस्लिम, अभी कुछ ही दिन बाद ईद आने वाला है, हम लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर एक ऐसा उत्सव का आनंद करेंगे कि पूरा भारतवर्ष में हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सब भाई है। हमारे हिंदू भाई लोग को धन्यवाद करेंगे, किस लिए कि जिस तरह से माहौल इंडिया में बना के रखा गया है एक जाति पाति का, कि यहाँ पर जिस तरह से आज माहौल बना रहा, आज हमारे ममता बनर्जी जिस तरह से गाइडलाइन किए, हमारे पुलिस प्रशासन जिस तरह से गाइडलाइन किए, आज जो यहाँ पर डर रहा हमारा टीटागढ़ में चाहे बेरेकपुर विधानसभा में, कि लोग का शंका में रहा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आज दिखा दिए हमारे हनुमान भक्त और राम भक्त कि सही में हम लोग हिंदू और मुस्लिम भाई के एकताई है और भाईचारा है। ये मिसाल कायम करके गए हमारे बजरंग जो भी हमारे भाई है और जो भी राम भक्त है और बजरंग भक्त है, मैं सबको अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ हमारे टीटागढ़ और कमिश्नर रेट के हमारे कमिश्नर आलोक लोलरिया जी को, पुलिस कमिश्नर जी को आलोक लोलरिया जी को धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ हमारे टीटागढ़ के बड़ा बाबू और मेजो बाबू को भी हनुमान जयंती पर मैं और रोजा के समय में धन्यवाद देता हूँ, जिस तरह से आज गाइडलाइन करके सबको ले गए। मैं सबसे बड़े धन्यवाद के काबिल होते हैं हमारे थाना का प्रभारी, मैं उनको अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जिस तरह से राम भक्तों का जिस तरह से आप लोगों ने स्वागत किया है, रोजा रखकर भी लोग आज उनके लिए शरबत का इंतजाम किया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले कि आज जिस तरह से हम लोग में टीटागढ़ में एकताई है हिंदू मुस्लिम को, इसीलिए देखिए कि आज हम लोग में जो मोहब्बत है कि आज उनके त्यौहार में हम रहते हैं, वो हमारे त्यौहार में रहते हैं। तो आज रोजा रख के आज सारे भाई लोग ये कायम कर दिए कि हम लोग आपके साथ है और आपके साथ रहेंगे। दुनिया के कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकते। आज जिनका मन में संख्या रहा कि यहाँ पर टीटागढ़ में कुछ होगा, तो कभी भी यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। हमारे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा हमेशा बना ही रहेगा।